Hello students, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Mota Rinkal and I am from Hope Foundation Bhuj. तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्ट टू. तो पार्ट वन में हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं पहले वो देखते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लिया इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस ऑफिस, द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड कंटेंट ऑफ एम एस ऑफिस. ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने पार्ट वन में देख लिए, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंटेंट में हमने क्या देखा, तो उसके सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हमें जो मिलते हैं, एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, तो ये सारे जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हमने देखा. तो आज कुछ न्यू देखते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं. ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे जो वर्जन हैं 2007, 2010, 2013, 16, 19, तो ये सारे जो वर्जन है ना वो पेडेबल वर्जन है. ठीक है, इनको यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी हम इनकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं. ठीक है, बट इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का जो वर्जन है वो एक ऑनलाइन फ्री वर्जन है जो क्लाउड बेस्ड है. ठीक है, इसको हम ऑनलाइन फ्रीली यूज़ कर पाते हैं. ओके, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर हमें वो सारी एप्लीकेशंस यूज़ करने को मिलती हैं जो उनके दूसरे वर्जन के अंदर हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, आउटलुक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन है. ठीक है, और ये क्लाउड बेस्ड है. ओके, और इसको यूज़ करने के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का वर्जन यूज़ करने के लिए हमारे पास हमारे फ़ोन या लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तभी हम उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाते हैं. तो चलो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के बारे में. तो व्हाट इज़ एम एस ऑफिस 365? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज़ अ सुइट ऑफ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी एंड अ कोलैबोरेशन एप्लीकेशंस दैट इंटीग्रेट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट existing online applications Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Sway and Access into a cloud service, adding Skype for a business and Microsoft Teams as the main communication and collaboration applications. तो Microsoft Office, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि Microsoft Office 365 का जो वर्जन है वो ऑनलाइन है. ठीक है, और क्लाउड बेस्ड है, और इसके अंदर हमें सारी जो एप्लीकेशंस दूसरे वर्जन में हैं वो हमें इसके अंदर भी यूज़ करने को मिलती हैं. ठीक है, और इसके अंदर और एक है स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर स्काइप भी हमें यूज़ करने को मिलता है, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ओके, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये क्लाउड बेस्ड है, तो हमारा सारा डेटा उसमें सेफली सेव रहता है. बाय चांस अगर हमारे पास हमारा कंप्यूटर के अंदर कोई क्रैश हो गया या कुछ खराबी आ गई, तो हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर में से चला जाएगा, पर जो डेटा हमने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर सेव करके रखा है तो वहाँ पे वो सेफली रहेगा और हमें मिल भी सकता है. ठीक है, और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस उसका ये है कि ये क्लाउड बेस्ड है, ऑनलाइन है, तो इसमें हमें लॉगिन करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है. ठीक है, तो बाय चांस हमारा पासवर्ड किसी को पता चल जाता है या हमारा ये कंप्यूटर या कुछ हमारा जो डिवाइस है वो हैक हो जाता है, तो हमारा सारा डेटा किसी और के पास जाने का चांसेस रह सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया तो वो भी आपकी आईडी से लॉगिन करके आपका डेटा ले सकता है. तो आपको इसमें क्या करना है, अपना पासवर्ड अच्छी तरह से रखना है और ये काम बहुत ही केयरफुली करना है. ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है उसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का जो वर्जन है उसको कैसे डाउनलोड करना है. तो आपके पास जो ब्राउज़र है, जैसे ओपेरा मिनी है, गूगल क्रोम है या मोजिला है, तो इन कोई भी एक ब्राउज़र में से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. हम गूगल क्रोम में से डाउनलोड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है ऑफिस फ्री ऑनलाइन. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है. उसके बाद स्क्रीन में कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे साइन इन और साइन अप फॉर फ्री. ठीक है, साइन इन अगर आप ऑलरेडी पहले आपने अपनी ईमेल आईडी से इसमें
अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो आप साइन इन कर सकते हो, और अगर आप न्यू हो, आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना है, तो आपको साइन अप फॉर फ्री करना है, ठीक है। तो इसके साइन इन या तो फिर साइन अप फॉर फ्री करने के बाद स्क्रीन जो है हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो स्टूडेंट्स, साइन इन या साइन अप फॉर फ्री करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है उसके अंदर हमें वो सारी एप्लीकेशंस मिल रही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे वर्जन के अंदर अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सभी का यूज़ कर सकते हो, जैसे ये वर्ड है, तो यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये ओपन हो रहा है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके। तो इसके अंदर से हमें सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देखो ये मेन्यू बार हमें देखने को मिल रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, और ये सारा हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी का यूज़ करके हम यहाँ पे वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं। उसी की तरह एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो उन सभी का यूज़ हम ये ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो, और लैपटॉप में भी आप या कंप्यूटर में भी इसका यूज़ कर सकते हो, बट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज रिंकल, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड कर सकती हूँ, है ना। ये इन सभी का यूज़ हम कर सकते हैं, और इसको सेव करना है तो यहाँ पे फाइल में जाना है, ठीक है, यहाँ से सेव एज। तो ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, सेव अ कॉपी ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन सेव करने के लिए है, जो हमारी वन ड्राइव है वहाँ पे ये सेव होगा, और डाउनलोड और कॉपी करोगे तो ये डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर भी आ गया, ठीक है। इसकी एक कॉपी हमें हमारे कंप्यूटर में चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और सेव अ कॉपी ऑनलाइन करोगे तो ये ऑनलाइन वन ड्राइव में सेव होके रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को डाउनलोड करके उसकी सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, तो इससे सभी हम इन सभी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको चेक करना है कि आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो हैं, ठीक है, तो वो कौन सा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो चेक करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो चलो वो चेक करके देखते हैं। इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको होम, न्यू, ओपन, और यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये कौन सा वर्ज़न है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2016 का वर्ज़न है, ठीक है। इसमें ये सारी एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन हमें इस वर्ज़न में प्रोवाइड की जाती हैं, और ये वर्ज़न 2016 का है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, उसको कैसे डाउनलोड करना है, और वो हमें कैसे यूज़फुल है, उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशंस का, तो वो हमने देखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के अंदर जो हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड, ओके। तो नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के बारे में सीखेंगे, ओके। तो आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा, ओके। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।